आज हम हमारा जो साइंस का मिशन चल रहा है उसमें हम फिर एक नया चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट कर रहे हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, क्लियर, जो कि लेवल वन लेवल टू दोनों में है। आपसे मैं कहूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका एक क्वेश्चन आने वाला है, तैयार करते हैं। इससे पहले फिजिक्स के सारे टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, अब हमारा मिशन केमिस्ट्री चल रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आपसे मैं करूँ नया टॉपिक एसिड बेस एंड सॉल्ट। आपसे मैं को अभी हम इसको प्रिपेयर कर लेंगे हर एंगल से जहाँ से एग्जामिनर पूछेगा। टॉपिक बोलो केमिस्ट्री का पढ़ने जा रहे हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। बोले तो अम्ल, मैंने कहा क्षार और लवण। ओके, तो सबसे पहले एसिड का पोस्टमार्टम करते हैं। बोलो अम्ल के बारे में ए टू जेड चीज सीखते हैं। सबसे पहले हम देखें गुणधर्म, बोलो प्रॉपर्टीज की बात करें तो पता होना चाहिए अम्ल जो होता है स्वाद में, बोलो आपसे मैं को खट्टा, ठीक है, होता है, होता है। एक्चुअली एसिड नाम बना ही उससे है, बिकॉज एसिडस जो शब्द होता है उसका अर्थ ही खट्टा होता है, इसी तरह पर इसका नाम अम्ल रखा गया। उसके बाद मैंने आपको कहा पता होना चाहिए अम्ल, बोलो के जलीय विलयन, जलीय विलयन, बोलो कि पीएच, मैंने कहा 7 से कम होती है, ठीक है, यानी आपकी जो पीएच होती है वो क्या होती है, बोलो लेस देन 7, बात समझ में। उसके बाद मैंने कहा कि बोलो अम्ल के विलयन, विलयन में जब हम लिटमस पेपर, लिटमस आपसे मैं को पेपर, ठीक है, को डुबोते हैं तो आपसे क्या होता है, बोलो लिटमस पेपर क्या होता है, नीले को किस में बदल जाता है, लाल में, ठीक है, यानी आपसे ब्लू चेंज इन रेड, आपसे मेरे को ब्लू किस में बदल जाता है, रेड में, और अगर सारे विलयन होता है तो लाल नीले में। तो अक्सर आपको बोलो कभी भी प्रॉब्लम हो तो ट्रिक याद रख सकते हैं, बोलो अनिल कपूर से याद रख सकते हैं। मैंने कहा अम्ल जो होते हैं वो आपसे मैं कह रहा हूँ उनके विलयन में लिटमस पेपर नीले को लाल में बदलता है, तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपसे मैंने कहा अगर हम अम्लों का वर्गीकरण करें, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड की बात करें, बोलो मैंने कहा क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऑफ एसिड की बात करें तो दो आधार पर वर्गीकरण किया गया है। पहला आधार है आपसे मैं करूं सामर्थ्य, ठीक है, के आधार पर, तो मैंने कहा सामर्थ्य के आधार पर एसिड दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, आपसे मैं कह रहा हूं बोलो एसिड दो तरह का होता है, एक होता है बोलो मैंने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल, और एक होता है आपसे मैं करूं वीक एसिड, बोलो आपसे दुर्बल अम्ल, क्लियर। वीक एसिड मतलब क्या, बोलो दुर्बल अम्ल, ठीक है, और एक मैंने कहा क्या होता है, बोलो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब प्रबल अम्ल, ठीक है, सीधी सी बात है। बोलो आपसे मैं कहूँ जिसका अल्फा 100% होगा, जो पूर्णतया वियोजित होगा, आपसे मैं कहूँ वो क्या होगा, बोलो स्ट्रॉन्ग एसिड। जिसका अल्फा लेस देन 100% होगा, बोलो वो क्या होगा, बोलो आपका वीक एसिड। अल्फा क्या होता है, मैंने कहा यहाँ जो अल्फा होता है अम्ल का, बोलो वियोजन, आपसे मैं को स्थिरांक, ठीक है, तो जो स्ट्रोंग होते हैं बोलो आपसे वो हमेशा, बोलो अम्ल का वियोजन, बोलो अम्ल के वियोजन की मात्रा, अम्ल के वियोजन की मात्रा, एक्चुअली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, बोलो डिग्री ऑफ आपसे मैं को डिसोसिएशन, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, जिसका भी अल्फा बोलो 1 या 100% होता है, जो आपको इसी को मैं अल्फा इजिकल टू 1 भी लिख सकता हूँ, और इसी को मैं चाहूँ तो अल्फा इज लेस देन 1 भी लिख सकता हूँ, बात एक ही है। ओके, तो वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। एग्जांपल देखें तो मैंने कहा HClO4 है, बोलो आपसे मेरे को HNO3 है, आपसे मेरे को H2SO4 है, इसी तरह से मैंने कहा HI है, ठीक है, HBr है, बोलो आपसे मैं को HCl है, एटसेट्रा, ये सब क्या होते हैं,
स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, क्लियर। इसी तरह से वीक एसिड की बात करें तो मैंने कहा इनके अलावा सब वीक एसिड है, चाहे H2CO3 हो, चाहे आपसे मैंने कहा CH3COH एसिटिक एसिड हो, चाहे आपका फॉर्मिक एसिड हो, चाहे आपका SCN हो, चाहे आपसे मैं कह रहा हूँ H3PO4 हो, चाहे आपसे मेरे को H3PO3 हो, बोलो A to Z आपसे मैं कह रहा हूँ एटसेट्रा, वो सब वीक आपसे मेरे को एसिड होते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा, बोलो आपसे मैं उसके बाद नंबर टू पे आते हैं। नंबर टू दूसरा क्या है बोलो, H+ ion। मैंने कहा त्याग ने कि आपसे मेरे को संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, ठीक है, किस बेसिस पे बता रहा हूँ बोलो, H+ ion त्यागने की संख्या के आधार पर। मैंने कहा आपसे मेरे को इस आधार पर अम्ल तीन तरह के होते हैं, बोलो एसिड कितने तरह के, तीन तरह के, ठीक है। एक बोला मैंने यहाँ पर, एक आपसे मेरे को सारीय अम्ल, क्लियर। एक सारी अम्ल मतलब मोनो, मैंने कहा बेसिक एसिड, क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए सफिक्स ब्लास्ट में क्या लिखा हुआ है, वही उसकी पहचान है, बोलो ये सारे का अम्ल है, क्लियर। इसी तरह से मैंने कहा दूसरा द्वि, बोलो सारीय अम्ल, ठीक है। द्विसारी अम्ल मतलब बोलो तो डाई, बोलो आपसे मैं कहूँ बाई बेसिक डाई, मैंने कहा बेसिक एसिड, क्लियर, ओके। इसी तरह से यहाँ पर आपसे मैं को नंबर थ्री की बात करूँ तो मैंने लिखा थ्री, बोलो सारीय अम्ल, ठीक है। त्रिसारी अम्ल का मतलब हो गया ट्राई, बोलो बेसिक एसिड, ओके। नाम से पता चल रहा है, बेस से पता चल रहा है कि एक सारी में किसको रखेंगे, जो एक H प्लस आपसे मैं को त्यागते हैं, बोलो रिलीज करते हैं, वो सब इसमें आएंगे, चाहे वो स्ट्रोंग हो वीक हो उससे कोई मतलब नहीं है। HClO4 भी इसका एग्जाम्पल है, HNO3 भी इसका एग्जाम्पल है, HCN भी इसका एग्जाम्पल है, HCOOH भी इसका एग्जाम्पल है, बोलो मैंने कहा CH3COOH भी इसका एग्जाम्पल है, हर वो HCl, HF, HBr, H आपसे मैं को आई, एवरीथिंग, हर कोई एसिड चाहे स्ट्रोंग हो या वीक हो, अगर एक H प्लस त्यागता है वो आपका इसमें आएगा। बोलो आपसे मैं कहूँ इसमें कौन आएंगे, जो आपसे मैं कहूँ दो H प्लस, बोलो रिलीज आपसे मैं कहूँ करते हो, जो दो H प्लस रिलीज करते हो वो इसमें आएंगे, चाहे वो आपका H2SO4 हो, चाहे वो आपका आपसे मैं कह रहा हूँ H2CO3 हो, चाहे आपसे मैं कहूँ H3PO बोलो 3 हो, क्लियर। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको अगेन समझने की जरूरत है, यहाँ पर आपको दिख रहे तीन लेकिन दो ही त्यागते हैं, अभी आपको बताता हूँ। इसी तरह से एक यहाँ पर H3PO2 लिख सकते हैं, बोलो स्टार लगा रहा हूँ बिकॉज इसमें दिखते तीन है लेकिन एक ही त्यागता है, अभी आपको इनका नाम की स्ट्रक्चर एवरीथिंग बताऊंगा। और इसमें मैंने कहा जो तीन एच प्लस आपसे मेरे को रिलीज करते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल लिखना चाहें तो H3PO4। और एक बात और पता होने चाहिए, ये जितने H प्लस त्यागते हैं वही उनकी क्या होती है, सारकता। तो इसकी मतलब हुआ इसकी सारकता, बोलो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, बोलो तीन हो जाएगी। आपसे मैं करूँ इन सब की, बोलो अगर आपको सारकता पूछे, बोलो सारकता पूछे, बेसिसिटी पूछे, सारकता पूछे, तो आपसे मैं कह रहा हूँ कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। और आपसे मेरे को इनकी भी अगर सारकता पूछे तो कितनी हो जाएगी, एक। इसका मतलब अम्लों की हमेशा क्या होती है, सारकता होती है, बेसिसिटी होती है, जो जितने H प्लस त्यागता है वही होती है। अब अगर मैं स्पेशल नोट बताऊं, स्पेशल नोट की बात करें तो हमने अभी देखा तीन नाम आए, एक आया H3PO4, बोलो आपसे मैं करूँ एक आया H3PO3, एक आया बोलो H3PO2, क्लियर। तो H3PO4 जो है एक्चुअली उसको बोलते हैं, बोलो मैंने कहा फॉस्फोरिक
एसिड, क्या बोलते हैं बोलो, फॉस्फोरिक एसिड, क्लियर। बोलो हिंदी में बोले तो फॉस्फोरिक अम्ल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक अम्ल। बात समझ में आए, इसको आपसे मैं कह रहा हूँ फॉस, बोलो मैंने कहा फॉरस एसिड, क्लियर। क्या बोलते हैं हिंदी में बोलो, फॉस्फोरस अम्ल बोलते हैं, क्लियर। इसी तरह से इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस, क्या बोलते हैं, हाइपो, आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने कहा फॉस, बोलो फॉरस एसिड, क्लियर। क्या बोला जाता है, हाइपो, मैंने कहा बोलो फॉस, बोलो फॉरस अम्ल, क्लियर। बात समझ में आई, बोलो। अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि आपसे मैं H3PO4, क्लियर, इसकी स्ट्रक्चर को जानूँ, तो इसकी स्ट्रक्चर आपसे मेरे को कुछ इस तरह की होती है। और आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री के अंदर वही एच प्लस त्यागा जा सकता है जो उच्च विद्युत ऋणी से जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ पर बोलो आपसे मेरे को तीन एच प्लस एक्टिव है, तो तीन एच प्लस यहाँ पर रिलीज होंगे, क्लियर। अगर हम H3PO3 की स्ट्रक्चर देखें, तो मैंने कहा इसकी स्ट्रक्चर को समझना, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, क्लियर। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ H1, 2, 3, P1 और 3O, क्लियर। तो हमने देखा कि जो H होने तीन से कोई मतलब नहीं है, बोलो दो एच प्लस ही ये बोलो क्या किया जाएगा, त्याग बोलो होंगे, क्लियर, क्योंकि दो ही सक्रिय हैं। बात समझो, जो उच्च विद्युत ऋणी से जुड़ा होगा वही रिलीज हो सकता है। और यहां पर अगर हम देखें, तो मैंने आपसे कहा इसकी स्ट्रक्चर देखें, तो इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, और इसमें केवल एक एच प्लस ही क्या होता है, सक्रिय होता है, क्लियर। इसलिए एक एच प्लस ही त्यागा जा सकता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, लॉजिक क्लियर, तो सब क्लियर, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप ध्यान रखो कि बोलो आपसे जितने ऑक्सीजन होंगे उससे एक एम आपका बोलो एच त्यागा जाएगा, चार है तो तीन, तीन है तो दो और दो है तो एक, क्लियर। ये आपको मैंने किसके बारे में बताया, आपसे मेरे को एसिड की प्रॉपर्टी और एसिड का वर्गीकरण बताया। अब आपसे मेरे को बहुत सी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि ऑक्सैलिक एसिड किस में होता है, मैलिक एसिड किस में होता है, तो इसका मतलब हुआ एसिड और उनके सोर्स भी हमें पता होना चाहिए। तो अगेन क्या लिखा मैंने, बोलो अम्ल आपसे मेरे को तथा उनके, मैंने कहा विशिष्ट, बोलो आपसे स्रोत, जो आपको आपसे मेरे को आज से 15-20 साल के अंदर किसी भी एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर अभी बता दूंगा। एक तरफ लिख रहा हूँ बोलो अम्ल का नाम, और एक तरफ मैं लिख रहा हूँ बोलो आपसे मेरे को स्रोत, ओके, सोर्स। जैसे मैंने सबसे पहला लिखा बोलो आपसे मैलिक अम्ल, क्लियर। क्या लिखा बोलो, मैलिक एसिड, आपसे मेरे को क्या लिखा बोलो, मैलिक एसिड। आपको पता होना चाहिए कि मैलिक एसिड जो है वो एप्पल में होता है, क्लियर। बोलो किस में होता है, सेव में। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए बोलो बनाना, आपसे मेरे को केला में होता है, क्लियर। उसके बाद आपको पता होना चाहिए गाजर में भी होता है, कैरेट में भी होता है। उसके बाद अगर हम नंबर टू की बात करें, आपसे मेरे को नंबर टू अगर हम बात करते हैं सिट्रिक अम्ल, ठीक है, तो सिट्रिक अम्ल तो सबको पता रहता है। बोलो आपसे सिट्रिक एसिड की बात करूं, तो ये आपसे संतरा यानी ऑरेंज, बोलो मैंने कहा, एंड लेमन, आपसे मेरे को नींबू में होता है, क्लियर। उसके बाद आपसे मेरे को नंबर थ्री हम बात करें, मैंने कहा यहां पर बोलो ऑक्जेलिक आपसे मेरे को अम्ल, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें, ऑक्जेलिक एसिड की बात करें, तो ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो आपसे मैंने कहा आपको पता होना चाहिए टमाटर में होता है और पालक में होता है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा जिन व्यक्तियों को बोलो किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है उन्हें डॉक्टर कम खाने टमाटर या बंद करने की कहा जाता है, क्योंकि जो किडनी की स्टोन होती है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट से बनती है। अगर कोई पर्सन बार बार बहुत ज़्यादा टमाटर खाएगा तो आपसे मेरे को अगर किसी में पहले से स्टोन की प्रॉब्लम है तो वो बढ़ेगी या रिकरेंट होने की कोशिश होगी। तो आपसे मेरे को ऑक्सैलिक एसिड ध्यान रखना है, टमाटर और पालक में होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर, मैंने कहा
टार्ट्रिक अम्ल की बात करें, बोलो आपसे मेरे को किसकी बात करें, बोलो मैंने कहा टार्ट्रिक, बोलो आपसे टार्ट्रिक, बोलो टार्ट्रिक एसिड की बात करूं, तो एक तो पॉपुलर है ही है इमली, आपसे मैं करूं मैं तो ये होता ही है, उसके अलावा आपको पता होना चाहिए बोलो आम में होता है, और उसके अलावा आपको पता होना चाहिए अंगूर में होता है, क्लियर। बोलो वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेप्स में पूछे, मैंगो में पूछे, आपसे मेरे को मैंगो में पूछे, ग्रेप्स में पूछे, एसिड पूछे, तो आपका क्या होगा टार्ट्रिक एसिड, क्लियर। तो आपसे मैं कह रहा हूं आपने देखा होगा अक्सर जो लड़कियां होती है आपसे मेरे को वो आम को अंगूर को देखते ही उनकी जीभ टर-टर करने लगती है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा याद करने के लिए बता रहा हूं, इमली के तो होती है, तो आपसे मेरे को इसी तरह से मैंने लिखा यहां पर बोलो एसिटिक एसिड, क्या लिखा बोलो एसिटिक अम्ल, क्लियर। तो अगर एसिटिक अम्ल की बात करें तो बोलो सिरका के अंदर क्या होता है बोलो, या आपसे मेरे को जिसको विनेगर कहते हैं उसमें क्या होता है बोलो एसिटिक एसिड होता है, क्लियर। क्या लिखा मैंने बोलो ये एसिटिक एसिड, बात समझ में आई बोलो, आई होप आपको ये पांचों समझ में आए होंगे। और अगर हम स्टडी करें तो नंबर सिक्स, अगर मैं आपको बताऊं नंबर सिक्स की बात करें तो मैंने आपसे कहा कि आपको पता होना चाहिए फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल किस में होता है, तो फॉर्मिक अम्ल मैंने कहा बिच्छू में होता है, बोलो आपसे मैं कहूँ बिच्छू में होता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए लाल चीटी जो होती है उसमें होता है, और उसके अलावा मधु मक्खी में होता है, और जिनके अंदर भी ये होता है वो जब भी काटती है तो एक बार करंट जैसा लगता है, आपसे मेरे को ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए एस्कॉर्बिक, मैंने कहा एस्कॉर्बिक अम्ल की बात करें, एस्कॉर्बिक अम्ल किस में होता है, आंवला इसका बहुत अच्छा सोर्स है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बोलो आपसे कि एस्कॉर्बिक एसिड किस में होता है बोलो आंवले में होता है, मेरी बात समझ में आए बोलो, ओके। तो आपसे मैं करूँ क्या बता रहा हूँ मैं आपको कि सारे जो अम्ल मैंने आपको बता रहा हूँ उनकी आपको एक लिस्ट बना रहा हूँ नाम अम्ल के और उनके स्रोत बता रहा हूँ, बात समझ में आए बोलो। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि इस तरह से ये कुछ पॉपुलर है जिनके आपको पूछा जा सकता है, चाहे वो आपसे मैं करूँ एस्ट्रिक एसिटिक एसिड हो, चाहे फॉर्मिक एसिड हो, चाहे एस्कॉर्बिक एसिड हो, चाहे सिट्रिक एसिड हो, चाहे मैलिक एसिड हो, आपसे मैं कहूँ चाहे ऑक्जेलिक एसिड हो, ये सब ऐसे पॉपुलर है जिनके आपको अक्सर एग्जाम में बोलो नाम दे के सोर्स पूछ लेते हैं, सोर्स दे के नाम पूछ लेते हैं। आपसे मैं करूँ और पॉपुलर की बात करें तो लैक्टिक एसिड आपको पता होना चाहिए, बहुत पॉपुलर है लैक्टिक एसिड, आपसे मैं कहूँ लैक्टिक एसिड बोलो किस में होता है, तो मैंने कहा मिल्क बोलो दूध, और आपसे मैं कहूं दही, और कर्ड यानी आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा बोलो दही के अंदर होता है, क्लियर। इसी तरह से हम बात करें ब्यूटेरिक अम्ल, ठीक है, ब्यूटेरिक अम्ल किस में होता है बोलो, मैंने लिखा ब्यूटेरिक एसिड, तो ब्यूटेरिक एसिड जो होता है वो मक्खन में होता है, किस में होता है बोलो मक्खन में, क्लियर। तो आप जानते ही हो जो ज्यादा मक्खन खाते हैं उनकी ब्यूटी चमक जाती है, तो आपको इस तरह से ध्यान रख सकते हो। और आपसे दूध और दही का तो आप जानते ही हो लैक्टिक एसिड में होता है, बोलो बात समझ में। आपसे मैं कह रहा हूं एस्कॉर्बिक एसिड किसमें होता है, आंवला में, फॉर्मिक एसिड इनमें होता है। तो इस तरह से मैंने आपको सारे जितने भी एसिड और उनके सोर्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी एक लिस्ट बनवा दी, क्लियर। तो इस तरह से आपको एसिड समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं बोलो किसकी, बेस की करते हैं आपसे, बेस का मतलब क्षार, क्लियर। वही सबसे पहले प्रॉपर्टीज की बात करूं, गुणधर्म की बात करूं, तो मैंने कहा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्षार का बोलो, मैंने कहा जलीय विलयन आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा जलीय विलयन बोलो कि सार के, मैंने कहा सार के जलीय विलयन की पीएच बोलो 7 से ज़्यादा होती है, 7 से क्या होती है ज़्यादा होती है, क्लियर। यानी मेरे कहने का मतलब है अर्थात जो पीएच आपसे मैं करूँ इज ग्रेटर देन 7, क्लियर फॉर बेसिक सॉल्यूशन। और मैंने कहा इफेक्ट आपसे मैं को ऑन लिटमस पेपर देखे बोलो आपसे मैं करूँ तो क्या होगा, रेड को किस में चेंज करेगा ब्लू में, अगर आपको एसिड का पता है तो उल्टा हो जाएगा। उसके बाद क्षार जो होता है वो कैसा होता है, बीटर यानी बोलो आपसे मैं कड़वा, क्लियर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं बोलो क्लासिफिकेशन। मैंने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ, आपसे मैं कौन सॉल्ट्स की क्लासिफिकेशन ऑफ बेस की बात करें, ठीक है, बोलो सार का वर्गीकरण, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब सार का वर्गीकरण की जब बात करते हैं तो सार का वर्गीकरण भी आपका वही दो आधार, पहला है बोलो सामर्थ्य, बोलो के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, बोलो आपसे मैं सामर्थ्य के आधार पर, मतलब ऑन द, आपसे ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने कहा स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आपसे मैंने कहा स्ट्रेंथ, सामर्थ्य के आधार पर जो बेस होता है वो आपसे मैं कहूँ दो तरह का होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस आपसे मैं करूँ और एक वीक बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, बोलो आपसे मैं करूँ जिसका अल्फा क्या होगा 100%, या आपसे मैं को अल्फा क्या होगा 1, क्लियर। फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहाँ पर NaOH है, KOH है, बोलो रुबिडियम OH है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ सीजियम OH है, बोलो क्लियर, और इसी तरह से बेरियम हाइड्रोक्साइड है, क्लियर। ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, आपसे मेरे को वीक बेस कौन होगा जिसका अल्फा लेस देन 100% या अल्फा बोलो लेस देन 1 होगा। एग्जांपल की बात करें तो LiOH वेरी इंपॉर्टेंट, बोलो फर्स्ट जो आपके ग्रुप होता है उसके सभी हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड। मैंने कहा MgOH होल क्वाइज 2, कैल्शियम OH होल क्वाइज 2, बोलो आपसे मैं करूँ बेरिलियम OH होल क्वाइज 2, बोलो बात समझ में, स्ट्रॉन्शियम OH होल क्वाइज 2। तो मेरे कहने का मतलब सेकंड ग्रुप के जितने भी होते हैं वो वीक होते हैं एक्सेप्ट बेरियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर। तो आपसे मेरे को ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम देखें NH4OH हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बाकी सब क्या होते हैं बोलो वीक बेस होते हैं, क्लियर। तो पहला वर्गीकरण समझ में आया होगा। उसके बाद अगर हम सेकंड वर्गीकरण की बात करें तो मैंने कहा OH माइनस आयन, बोलो आपसे मेरे को त्यागने, बोलो त्यागने की संख्या आपसे मैं करूं के आधार पर, ठीक है, OH माइनस आयन त्यागने की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजिंग ऑफ OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन। इस आधार पर देखें तो बेस अगेन मैं आपसे कहूं तीन प्रकार का होता है, एक होता है, एक मैंने कहा अम्लीय, बोलो आपसे मैं कहूं क्षार, क्या होता है बोलो मोनो, मैंने कहा एसिडिक बेस, क्लियर, एक अम्लीय सार। उसके बाद मैंने कहा अगेन क्या देखना है, प्रीफिक्स लास्ट में क्या आता है, ओके मैंने लिखा यहाँ पर द्वि, आपसे मैं करूँ अम्लीय, मैंने कहा बोलो क्षार, ठीक है, इंग्लिश में बोलूँ तो डाई, बोलो मैंने कहा बोलो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, ओके। इसी तरह से यहाँ पर बोलो मैंने आपसे कहा नंबर 3 होगा आपका त्री, मैंने कहा अम्लीय, त्रि अम्लीय क्षार, ठीक है, बोले तो क्या हो जाएगा ट्राई, बोलो बेसिक, बोलो मैंने कहा बेस, क्लियर, ट्राई बेसिक क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, क्लियर। तो एक अम्लीय सार किसको कहा जाता है, तो आपसे मैं कह रहा हूँ जो बोलो एक OH माइनस बोलो त्यागता है, ठीक है, त्यागता है, या मैं बोलूँ जिसकी अम्लीयता एसिडिटी क्या होती है बोलो एक होती है, क्लियर। अगेन ध्यान रखना जो एसिड होते हैं उनकी सारकता होती है, बेसिसिटी होती है, और जो सार होते हैं उनकी अम्लीयता होती है, और वो हमेशा जितने एस प्लस त्यागेंगे उसके इक्वल होती है। बात समझ में, एग्जाम्पल की बात करूँ, स्ट्रॉन्ग हो वीक हो उससे कोई मतलब नहीं, हर वो बेस जो एक OH माइनस त्यागता है वो इसमें आएगा, क्लियर। मैंने कहा LiOH हो गया, NaOH हो गया, KOH हो गया, बोलो रुबिडियम OH हो गया, सीजियम OH हो गया, NH4OH हो गया, एवरीथिंग जो कि कितने त्यागता है, एक H प्लस त्याग, एक OH माइनस त्यागता है, क्लियर। इसमें मैंने कहा जो बोलो दो OH माइनस बोलो त्यागता है, क्लियर, या आपसे मैं कहूँ जिसकी एसिडिटी बोलो अम्लीयता आपसे मैं कहूँ कितनी हो बोलो दो होती है, क्लियर। तो इसमें बोलो कौन कौन होंगे, तो मैंने कहा MgOH होल क्वाइज 2, हर वो बेस जो दो OH रिलीज करता हो वो सब इसके अंदर बोलो आपसे मैं कहूँ आएंगे, क्लियर, चाहे वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, बेरियम हाइड्रो
हाइड्रोक्साइड हो, स्ट्रोंसियम हाइड्रोक्साइड हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, इसको बोलो मिल्क ऑफ बोलो मैग्नीशिया कहते हैं, जो अम्लीयता बोलो बढ़ी हुई को कम कर ले एक काम आता है। ये आपके एक बार रिट में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं बोलो त्रि अम्लीय सार की बात करूं तो मैंने कहा जो तीन ओ एच माइनस आपसे मैं कहूँ त्यागता है, ठीक है, तीच ओ एच माइनस त्यागता है, बोलो आपसे मैं कहूँ या जिसकी बोलो एसिडिटी अम्लीयता बोलो कितनी होती है, तीन होती है। अगर एग्जांपल लिखे तो ए एल ओ एच होल क्वाइज थ्री। तो आपने क्या देखा दोस्तों, हमने एसिड और बेस दोनों स्टडी कर लिए हैं, बोलो बात समझ में। अब आपसे मैं कुछ जब हम अम्ल और सार पढ़ लेते हैं तो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि बोलो अम्ल और सार के मिलने से ही लवण बनता है। इसका मतलब हुआ अगर आपको एसिड और बेस अच्छे से क्लियर हो गए तो सॉल्ट स्टडी करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पर आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा क्या स्टडी करें, सॉल्ट यानी लवण, क्लियर। और मैंने आपसे कहा सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड प्लस आपसे मैं कहूँ बेस के मिलने से आपसे मैं कह रहा हूँ बनता है सॉल्ट और साथ में वाटर। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, बोलो उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनी आपसे मैं कह रहा हूँ उदासीनीकरण, बोलो उदासीनीकरण की अभिक्रिया, ठीक है। यानी लवण का निर्माण किस अभिक्रिया से होता है, बोलो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से होता है। तो आपसे मैं कह रहा हूँ इसका मतलब हुआ फिर अगर हम लवणों का वर्गीकरण देखें, लवणों का वर्गीकरण आपसे मैं कह रहा हूँ पहला वर्गीकरण तो क्या हो जाएगा, नंबर वन मैंने कहा बोलो रासायनिक संगठन, ठीक है, रासायनिक संगठन केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, बोलो मैंने कहा केमिकल बोलो कंपोजिशन, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन आपसे मैं कह रहा हूँ के आधार पर, क्लियर, बोलो आपसे मैं को किस बेसिस पे बता रहा हूँ, रासायनिक संगठन के आधार पर। अगर इस बेसिस पे देखें तो सोल्ट तो आपसे चार ही तरह के हो सकते हैं, बोलो वीक एसिड, बोलो वीक बेस, बात समझ में आए, बोलो मैंने कहा पहला मैंने लिखा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, क्लियर, सोल्ट, ओके। दूसरा क्या लिख सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट, आपसे मैं करूँ तीसरा क्या हो सकता है, बोलो हमने देखा कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, और मैंने कहा नंबर फोर्थ क्या होता है, बोलो वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट। इन चार के अलावा पांचवा कोई टाइप होता नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको केमिकल कंपोजिशन के अंदर अगर कोई भी एक सॉल्ट दिया जाए और पूछा जाए कि कैसा बना, किसका बना हुआ है, तो आपको अम्ल और सार का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहां पर बोलो मैंने एग्जांपल लिया NaCl, क्लियर, बोलो मैंने लिखा KCl, मैंने लिखा आपसे मैं कह रहा हूं NH, आपसे मैं कहूं बोलो मैंने यहां पर लिखा सपोजेट, आपसे मैं कह रहा हूं बोलो Na2SO4, ठीक है, मैंने लिखा K2SO4 एटसेट्रा, कितने भी लिख सकता हूं। आपको किसी को चेक करना, जैसे NaCl को चेक करना, वापस जल की अभिक्रिया कराओ, आपको लगेगा एक NaOH और एक HCl है, ये कौन है स्ट्रॉन्ग बेस, ये कौन है बोलो स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका मतलब ये सॉल्ट कैसा हुआ, बोलो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हुआ। इसका मतलब हुआ कि अगर एसिड और बेस का अच्छा फंडा क्लियर है तो सॉल्ट में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सॉल्ट तो पूरी तरह से अप्लाइड होता है, क्लियर। अगर मैं इसकी बात करूँ मन में क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो मैंने कहा यहाँ पर MgCl2 लिखूँ, CaCl2 लिखूँ, आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने कहा बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर बोलो NaSO, आपसे मैं कह रहा हूँ Na, बोलो मैंने कहा यहाँ पर वीक बेस NH4, बोलो Cl लिखूँ, बोलो आपसे मैं को AlCl3 लिखूँ एटसेट्रा। आपको समझ में आ रहा होगा कि बोलो ये मैं कैसे लिख पा रहा हूँ, मैंने कहा आप किसी को भी जल से अभिक्रिया करा दो, एक बनेगा MgOH होल क्वाइज 2, एक बनेगा HCl, HCl क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है बोलो वीक बेस, तो हमें पता चल जाता है कि ये किससे मिलकर बना है, क्लियर। तो इसका मतलब एक भी सॉल्ट को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को पहचान आनी चाहिए। बोलो आपसे मेरे को वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एग्जांपल देखे तो CH3CONa लिख सकता हूँ, HCONa लिख सकता हूँ, बोलो बात समझो ना,
ठीक है, Na2CO3 लिख सकता हूँ, K2CO3 लिख सकता हूँ। किसी को भी चेक करना हो, सपोज इसी को चेक करना, जल से अभिक्रिया कराई, एक बना KOH और एक बना H2CO3, ये कौन बना? स्ट्रॉन्ग बेस। ये कौन बना? बोलो वीक एसिड। तो ये बोलो सॉल्ट किस प्रकार का हुआ? आप कहोगे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर मैं इधर बात करूं आप सब को वीक एसिड वीक बेस वाले की, तो मैंने कहा यहां पर CH3CONH4 लिख सकता हूँ। बोलो आप सब अमोनियम एसीटेट लिख सकते हैं। बोलो मैंने लिखा NSCONH4 लिख सकते हैं, क्लियर। इसी तरह से मैंने कहा NH4 होल क्वाइज 2 CO3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये वीक एसिड और वीक बेस से मिल के बने हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या दोस्तों, आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सोल्ट जो होंगे उनके जलीय विलयन की pH क्या होगी, तो बोलो मैंने कहा 7 होगी, क्लियर। और विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा, क्लियर। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट की बात करूं तो जो स्ट्रॉन्ग कंटेन होगा, जो स्ट्रॉन्ग घटक होगा, वो अपना बिहेवियर दर्शाएगा। तो इनमें से कोई भी लवण के जलीय विलयन की पीएच पूछी जाए मुझे, तो पीएच क्या होगी? बोलो 7 से कम होगी, क्लियर। क्योंकि विलयन कैसा होगा? ऑल ओवर अम्लीय होगा। बात समझ, विलयन की प्रकृति कैसी होगी? बोलो अम्लीय। इसी तरह से मैंने कहा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो पीएच डेफिनेटली विलयन की 7 से ज्यादा होगी। और विलयन की प्रकृति आपसे लवण के विलयन की प्रकृति, लवण के बोलो विलयन की प्रकृति अगर कोई पूछे तो डेफिनेटली कैसी होगी? सारी होगी, क्लियर। और इस वाले केस में बोलो मैंने कहा दोस्तों कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों वीक है। तो आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा के और के बी पर निर्भर, क्लियर, कि बोलो कैसी होगी। मेरे कहने का मतलब यदि आपको जब भी ये दे और इसकी प्रॉपर्टी पूछे तो कंडीशन देगा के इज ग्रेटर देन के बी है, या आपसे मैंने कहा, या मैंने आपसे कहा कि बोलो आपसे मैं करूँ कुछ ना कुछ कंडीशन देगा, कि या आपको देगा यदि आपसे मैं कहूँ के बोलो आपसे मैं कहूँ लेस देन के बी है, या आपको देगा बोलो आपसे मैं कहूँ के बराबर के बी है, ठीक है। हाँ, अब हम बता सकते हैं इसके बोलो विलयन की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय, पीएच कैसी होगी, बोलो लेस देन 7। अगर आपको ये दे रखा है कि बोलो जो बेस है वो एसिड से ज़्यादा टूटता है, तो बोलो आपसे ऑल ओवर विलयन की प्रकृति कैसी होगी, बोलो क्षारीय होगी, और पीएच जो होगी वो 7 से ज़्यादा होगी, क्लियर। और इस केस में बोलो विलयन की प्रकृति कैसी होगी, उदासीन, और पीएच क्या होगी, 7 होगी। आई होप आपको पहला वर्गीकरण समझ में आया होगा विद प्रॉपर्टी, बात समझ में आए बोलो। तो हमने जब एसिड के दो क्लासिफिकेशन दिए, बेस के दो क्लासिफिकेशन दिए, तो आपसे मेरे को सोल्ट के भी हम क्या देंगे, दो क्लासिफिकेशन। दूसरा आपसे मैं कह रहा हूं लवणों का सेकंड वर्गीकरण क्या है, विशिष्ट, मैंने कहा पहचान, ठीक है, विशिष्ट पहचान बोलो के आधार आपसे मैं करूं पर, ठीक है, विशिष्ट पहचान के आधार पर देखें तो बोलो आपसे 6 टाइप बोलो क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। लवणों के 6 प्रकार होते हैं, बोलो एक होता है उदासीन लवण, क्या होता है बोलो, मैंने कहा उदासीन लवण, ठीक है। उदासीन लवण मतलब क्या हो गया, न्यूट्रल आपसे मैं कहूँ सॉल्ट, ठीक है। दूसरा आपसे मैंने कहा अम्लीय लवण, ठीक है, अम्लीय लवण की बात करें तो क्या हो गया बोलो, एसिडिक, बोलो मैंने कहा सॉल्ट, ठीक है। तीसरा मैंने कहा क्षारीय लवण, ठीक है, क्षारीय लवण की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, बेसिक सॉल्ट। इसी तरह से मैंने कहा मिश्रित लवण, ठीक है, मिश्रित लवण जो होता है उसका मतलब होता है मिक्स्ड सॉल्ट, ठीक है, क्या होता है बोलो, मिक्स्ड सॉल्ट। इसी तरह से आपसे मैंने कहा द्विक लवण, ठीक है, द्विक आपसे मैं को लवण की बात करें तो बोलो मैंने कहा ड्यूल सॉल्ट, बोलो या इसी को बोलते हैं डबल सॉल्ट, क्या बोलते हैं, डबल आपसे मैं को सॉल्ट। और एक नंबर आपसे मैं को 6 बोलो जटिल लवण, मैंने कहा जटिल लवण का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, क्या होता है बोलो, कॉम्प्लेक्स आपसे मैं करूँ सॉल्ट, ओके। तो दोस्तों मैंने आपको 6 टाइप हम स्टडी करने जा रहे हैं जिनके नाम लिखे हैं, इनको हमें समझना है बोलो, हर एक की पहचान और एग्जांपल, क्लियर।
पहली बात करते हैं, बोलो कौन सा है? उदासीन, आपसे मैं करूं लवण, ठीक है? उदासीन लवण मतलब क्या बोला मैंने? न्यूट्रल, आपसे मैं कहूं सॉल्ट, क्लियर? अगर न्यूट्रल सॉल्ट की बात करें तो आपसे मैं कहूं वे सॉल्ट। देखो इस क्लासिफिकेशन की पहचान, विशिष्ट पहचान के आधार पर, वे सभी सॉल्ट जो आपसे मैं करूं और आगे H प्लस या OH माइनस नहीं त्याग सकते हो, ठीक है? तो मैंने कहा वह सभी, बोलो मैंने कहा लवण जो और आगे आपसे मैं को और आगे, बोलो H प्लस या OH माइनस नहीं, बोलो आपसे मैं को त्याग, बोलो त्याग सकते, बोलो है, ठीक है, हो, तो वो सब होंगे। तो इसका मतलब अगर मैं कहूँ NaCl बात करूँ, KCl बात करूं, Na2SO4 बात करूं, आपसे मैं करूं K2SO4 बात करूं, बोलो मैंने कहा Na3PO4 की बात करूं या Na2PO3 की बात करूं, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने मैंने कहा Na2HPO3 की बात करूं, क्लियर? या आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा Na, बोलो आपसे मैं को H2PO2 की बात करूं, क्लियर? बोलो आपसे सारे हो जाएंगे। आप इनमें तो वैसे ही नहीं दिख रहा है, आपको पता है कि जो H3PO आपसे मैं कह रहा हूं NaOH, क्लियर? और H2 आपसे मैं को H3PO, बोलो 2 ने मिल करके ये बनाया NaH2PO2। अब आपको पता है ये तो एक ही त्यागता है, तो एक त्याग चुका, अब भले कितने भी आए ये त्यागे नहीं जाएंगे, क्लियर? तो नहीं जाएंगे तो किसका एग्जांपल हो जाएगा? न्यूट्रल का हो जाएगा। ऐसे आपको पता है कि जो आपका H3PO4 है, बोलो H3PO, बोलो आपसे 3 है, वो कितने N, बोलो H प्लस त्याग सकता 2, तो 2 NaOH से रिएक्शन करके Na2HPO3 बना दिया है, तो अब आप समय को ये होते हुए भी नहीं त्यागा जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि अम्ल और सार के वर्गीकरण को जितना क्लियरिटी से समझोगे सॉल्ट उतने ही आसान हो जाएंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं, मैंने कहा दूसरा अम्लीय, आपसे मैं कह रहा हूँ अम्लीय लवण, ठीक है? अम्लीय लवण का मतलब है वह लवण, ठीक है, जो आपसे मैं करूँ और आगे, ठीक है, और आगे आपसे मैं कह रहा हूँ H प्लस रिलीज आपसे मैं को कर सकता है, ठीक है? तो कौन हो जाएंगे एग्जांपल? मैंने लिखा NaHSO4, क्लियर? बोलो KHSO4, मैंने लिखा NaHCO3, क्लियर, एटसेट्रा। तो आपने देखा कि बोलो H2SO4 तो दो त्यागता है, अभी एक त्याग चुका है और एक बेस से रिएक्शन कर लवण बना चुका है, लेकिन ये अभी और H प्लस त्याग सकता है, तो ये अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफिकेशन किसके अंदर आ जाएगा? अम्लीय लवण। मैंने कहा अगर बात करते हैं सारीय लवण की, तो सारीय लवण का क्या होगा? वह लवण आपसे मैं कह रहा हूं जो, बोलो और आगे, ठीक है, मैंने कहा बोलो OH माइनस रिलीज, बोलो कर सकता, रिलीज मतलब त्याग सकता है, ठीक है, बात समझ में? अगर एग्जांपल की बात करें तो मैंने लिखा MgOHCl, क्लियर, बोलो CaOHCl, क्लियर, AlOH आपसे Cl2, तो आप सब जानते हो ये, बोलो आपसे मैं और आगे त्याग सकते हैं, तो किसके एग्जांपल हो जाएंगे? सारीय लवण का। फिर बात करते हैं मिश्रित लवण, क्लियर, मिश्रित लवण की बात करें तो वह लवण जो एक प्रकार के अम्ल और दो प्रकार के सार से, या दो प्रकार के अम्ल और एक प्रकार के सार से मिलकर बने हो, वह लवण आपसे मैं करूं जो एक, बोलो प्रकार के आपसे मैं को अम्ल, ठीक है, और दो प्रकार, बोलो के आपसे मैं को क्षार से मिलकर आपसे मैं करूं बने हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहां पर आपसे मैं करूं NaKSO4। अगर आपको मैं पूछूं ये किस प्रकार का सॉल्ट है, तो आपने देखा कि इसके अंदर, बोलो ये किस से मिलकर बना होगा? एक NaOH, एक KOH और एक H2SO4, क्लियर। तो इसका मतलब हुआ कि एक अम्ल और दो सार है, तो इसको क्या बोलेंगे? मिश्रित लवण। या मैं बोल सकता था क्या, बोलो एक आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो प्रकार, बोलो का क्षार आपसे मैं कहूँ एंड दो प्रकार, बोलो के अम्ल आपसे मैं करूँ अम्ल से बना, ठीक है, बना लवण कैसा कहलाएगा? मिश्रित। फॉर एग्जांपल लिखूँ यहाँ पर, तो मैंने लिखा यहाँ पर Mg, बोलो आपसे मैं कहूँ Cl
भी यार, तो आप समझ गए होंगे कि ये एक तो आपसे एम जी ओ एच होल क्वाइस टू और एक एस सी एल और एक एच बी आर। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो जब हम मिश्रित लवण को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मिश्रित लवण तो उदासी लवण भी होता है, क्योंकि और आगे एच प्लस त्याग नहीं सकता। बोलो इसका मतलब हुआ कि सभी मिश्रित लवण उदासीन लवण भी होते हैं, लेकिन सभी उदासीन लवण मिश्रित लवण नहीं होते। यहाँ पर क्या बता रहा हूँ बोलो, मैंने कहा सभी मिश्रित लवण, ठीक है। बोलो आपसे मेरे को उदासीन, उदासीन लवण आपसे मेरे को लवण भी होते हैं, ठीक है, होते हैं, परंतु आपसे परंतु सभी उदासीन आपसे मेरे को लवण, ठीक है, लवण बोलो मैंने कहा मिश्रित बोलो लवण आपसे मेरे को नहीं होते हैं। क्लियर, आई होप आपको मेरी चार लवण समझ में आए होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर फाइव की, नंबर फाइव की बात करें तो मैंने कहा द्विक, ठीक है, बोलो लवण की बात करते हैं, द्विक लवण मतलब ड्यूल सॉल्ट। क्लियर, ड्यूल सॉल्ट की बात करें, द्विक लवण की बात करें तो आपसे मैं कह रहा हूँ ऐसे लवण जो दो उदासीन लवण से मिलकर बने हो, वह बोलो आपसे मैं को लवण जो मैंने कहा दो उदासीन लवण, ठीक है, लवण आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो से मिलकर, से बोलो मिलकर आपसे मैं को बने हो। क्लियर, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूँ आपको तो मैंने एग्जाम्पल लिखा यहां पर, बोलो मैंने लिखा NH4 आपसे मैं कह रहा हूं बोलो आपसे मैं को NH4 बोलो यहां पर होल क्वाइस 2SO4 बोलो Al2SO4 होल क्वाइस 3 24H2O। और फिटकरी का एग्जाम्पल है, बोलो ये एक अपना उदासीन लवण है, ये एक अपना उदासीन लवण है। किसी लवण के अंदर दो उदासीन लवण हो तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, ड्यूल सॉल्ट का एग्जाम्पल होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। K2SO4 आप सभी को Fe2SO4 होल क्वाइस 3 24H2O, ये एक उदासीन लवण है, ये एक उदासीन लवण है। तो इसका मतलब हुआ सभी द्विक लवण उदासीन लवण के भी उदाहरण होते हैं, लेकिन सभी उदासीन लवण द्विक लवण के उदाहरण नहीं होते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं, बोलो मैंने कहा जटिल लवण। क्लियर, जटिल लवण की बात करें, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करें। क्लियर, तो आपसे मैं को कॉम्प्लेक्स सॉल्ट तो पहचान सकते हैं कि बोलो आपसे संकुल यौगिक, मैंने कहा संकुल यौगिक, ठीक है, संकुल यौगिक आपसे मैं करूं या जटिल यौगिक, बोलो जटिल आपसे मैं को यौगिक, बोलो यौगिक मैंने कहा जटिल लवण आपसे मैं कह रहा हूँ लवण बोलो बोलो होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल लिखूं, बोलो के फोर एफ ई बोलो सी एन सिक्स। क्लियर, तो ये तो देखते ही पता चलते हैं कि बोलो आपको कोई पूछे ये किस प्रकार का लवण है, तो आपसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जाम्पल है। तो आपसे मैं करूँ दोस्तों, मैंने आपको एसिड बेस सॉल्ट, क्लियर, उनका मीनिंग, उनकी प्रॉपर्टी, उनके क्लासिफिकेशन, उनके एग्जाम्पल, एवरीथिंग बता चुका हूँ। क्लियर, एक स्पेशल नोट और बता रहा हूँ, जो आपसे मैं करूँ, जो आपका एग्जाम बोर्ड लेने जा रहा है उसने बोलो एक बार लैब असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा आपको, बोलो बी आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा बोलो ओ एच होल क्वाइस थ्री, ठीक है, बोलो आपसे मैं क्वेश्चन पूछा था बोलो होता है, ठीक है, होता है, तो आपसे मैं को ऑप्शन होता है एक दुर्बल, आपसे मैं को क्षार बोलो एक होता है प्रबल क्षार, आपसे मैं करूँ एक होता है दुर्बल अम्ल, आपसे मैं करूँ एक होता है बोलो ऑप्शन है आपको प्रबल अम्ल, ठीक है। तो इसमें अक्सर स्टूडेंट धोखा खा जाते हैं कि स्टूडेंट को लगता है ओएच है तो क्षार होता होगा, जबकि आंसर क्या है बोलो वीक एसिड है। ऐसा कैसे, तो मैंने कहा सॉल्यूशन समझो, एक्चुअली बी ओ एच होल क्वाइस थ्री जो है वो आपसे मैं को एच थ्री बी ओ थ्री बोले तो बोरिक अम्ल का सूत्र है, किसका है बोलो बोरिक अम्ल, और बोरिक अम्ल जो होता है बोलो बोरिक अम्ल जो होता है वो ऐसा एसिड होता है जो एस प्लस नहीं देता लेकिन ओ एच माइनस लेता है। क्लियर, बोलो आपसे मैं करूँ ये है, ये ऐसा बोलो मैंने कहा दुर्बल, दुर्बल आपसे मेरे को अम्ल होता है जो बोलो मैंने कहा एच प्लस नहीं बोलो आपसे मेरे को देता है, ठीक है, परंतु मैंने कहा परंतु ओ एच माइनस लेता है। क्लियर, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो आपसे मैं करूँ इस तरह से हमने एसिड बेस सॉल्ट कंप्लीट स्टडी मैंने आपको कराया, और आपसे मैं कह रहा हूँ आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, क्योंकि आपसे मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ। आपसे मैं कह रहा हूँ
हम जितना कंप्रेस फॉर्म में और आपसे मैं कह रहा हूँ रैपिड फॉर्म में किसी भी टॉपिक को तैयार कर ले वो हमारे लिए उतना ही बेस्ट है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाओ। आपसे मैं कह रहा हूँ आई होप ये आपको लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। आप बताएं हमें, आज से हमारी केमिस्ट्री की सीरीज चालू हो चुकी है तो आपसे मैं कह रहा हूँ फिजिक्स आपका भी कंप्लीट हो गया होगा। अगर किसी ने रीट साइंस में अभी तक तैयारी नहीं की है, अगर मेरे साथ तैयारी करेगा तो भी आपसे मैं कहूँ उसका 10-15 दिन में पूरा कोर्स हो जाएगा। क्लियर? बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहें और मस्त रहें।